अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको बधाई देती हूँ। अभी मैंने कितना सब इतनी मात जिसे कहते हैं विमेन पावर को सुना, उनके बारे में जाना, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हम तो कुछ भी नहीं, जो कार्य कभी हमें महसूस होता हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जब आज भी जाना तो मुझे ऐसा लगा। अभी मैं ये मुस्लिम महिला जो हमारी बहन है इनको देखा, इनके बारे में सुना, पर मैं एक बात अवश्य ये कहना चाहूंगी इस मंच से कि हम सभी तो अपनी अपनी फील्ड पे आगे हैं। हमें कोई स्थान मिला है काम करने का, हम किसी संस्था से कोई जुड़ा है, कोई विद्यालय से जुड़ा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सभी किसी न किसी पद पे आसीन है, परंतु आज के दिन हम उस महिला शक्ति को भूल जा रहे हैं जो हमारे पीछे है, हमारे गांव की ग्रामीण महिला शक्ति। मैं जिसे कह सकती हूँ कर्म भूमि मेरी हिमाचल प्रदेश है, मैं पहाड़ से आई हूँ और बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, वहां भी मैं पहाड़ की बेटी हूँ। उत्तराखंड का और नेपाल का काफी कुछ मिलता जुलता एक संस्कृति है। आप लोग शायद अधिक लोग मैदानी इलाके के होंगे, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पहाड़ पनप रहा है वो केवल महिलाओं के दम पर है। महिलाएं दिन रात काम करती हैं और तब जाके घर का पालन पोषण चलता है। तो आज के दिन हमें उस शक्ति को, उन्हें बाहर आने का मौका नहीं मिलता। हम तो अपने आप को वी आर फील प्राउड, हम तो बहुत अच्छे हैं कि जो हमें मौका मिल जाता है, हमें बुलाया गया इस मंच पे, हम आ गए। बहुत नारी इतनी है क्योंकि बिकॉज आई बिलोंग टू अ इंस्टीट्यूशन, मैं प्रिंसिपल हूँ। पहले मैं 17 साल तक प्रिंसिपल वहाँ रही हिमाचल में, तो मैंने देखा पेरेंट्स को, फादर आप, मैं हाथ जोड़ के कर वक्त प्रार्थना करती हूँ मेल मेंबर से, उससे मुझे माफ कीजिए कि कुछ के परिवार तो ऐसे ही है कि जो शराब पी के आदमी बेसुध है और जो महिला है किसी भी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो आज के दिन हमें उस महिला को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे पीछे है, हमारे बैक पे है, जो इस हर वर्ष हम लोग ये इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ जैसे ये प्रोटोकॉल है कि आई को CWPU उसके आई उनके साथ इंटरग्रेटेड प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट वाले, और आप मानेंगे नहीं मैं उस प्रोग्राम के हमेशा हिस्सा रही हूँ। तो वहाँ पे महिला मंडल की महिलाएं आती हैं दूर दराज के क्षेत्रों से, कुछ पैदल चलकर, कुछ किसी के पास अपनी कर्मी फील्ड होती है, और आप मानेंगे उनके प्रतिभा को मैं रोज नतमस्तक हो जाती हूँ। हर साल आप वो स्किट करती हैं तुरंत स्वच्छता पर उसी समय, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे से प्राइजेज होते हैं कैश मनी कि वो कैश मनी वो प्राइजेज दिए जाएंगे, और इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं महिलाओं की। तो महिला के बिना बीन, मैं महिला हूँ इसलिए नहीं कह रही, पर बीन महिला ही सारे परिवार को चलाती, जैसे कहते हैं ना बेटी। हमारे बहुत पहले से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था उस समय से कि भाई आप कन्या बालिका को पढ़ाओ, आज भी हमें नारा लगाना पड़ रहा है बालिका बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? ये बहुत बड़ी एक गंभीर चिंता का अभी भी विषय है कि महिलाएं जो सब कुछ बैकडोर से, हम सब महिलाएं बहुत सशक्तिकरण, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, सब महिलाएं सशक्त हैं और बिना मेल के भी वो नहीं चल सकती। हमारी वैदिक संस्कृति में कन्नी शब्द है, कन्नी संस्कृत का, और कन्नी शब्द से कन्या निकला है जिसका मतलब है चमकना, तो कन्या हमेशा चमकती रहे। और जिस देश की विमेन में पावर होगी वो देश कभी भी कम नहीं हो सकता, जिस परिवार में महिला को इज्जत होगी वो परिवार कभी कम नहीं हो सकता। और हमारे तो राष्ट्रपति कलाम साहब जी ने भी कहा था कि हम क्या है, नर मादा पक्षी की तरह है, और नर मादा उस पक्षी के दो पंख है, अगर एक पंख को काट दिया जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता।
इसी तरह से हम लोग भी हैं, तो हमें नारी शक्ति के, मैं चाहूंगी कि हम लोगों को आवश्यकता ना पड़े, जैसे मैम ने कभी कहा था एक दिन कि भाई हमें मनाने की, मतलब हम इस तरह से एक औपचारिकता ना करें और एक महिला को बिल्कुल एक समान, और जो पीछे हमारी रूरल बैक में जो महिला है जिसको मैं बता नहीं सकती कि कितना कार्य वो करती है, पहाड़ की महिला, उसको मैं आज सत सत प्रणाम करती हूँ। मैं अधिक ना कहते हुए, क्योंकि समय बहुत हो गया है और बहुत लोगों ने कहना होगा, एक बार आप पुनः मैं आप सब लोगों से मिली, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ और आप सबको एक बार पुनः ये इंटरनेशनल वीमेन डे की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।